वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिमिटेड स्टेट मेथड क्या होता है ये सारी चीजें जान ली थी। इसके अलावा जो बेसिक एडजस्टमेंट थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। कंक्रीट के लिए आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा और स्टील के लिए आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम किस तरीके से आएगा ये सारी चीजें हमने जान ली थी। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम आरसीसी सेक्शन के लिए देखेंगे और उसमें भी आपका किसका सिंगली रेनफोर्स बीम। ठीक है, किसके लिए हम देखेंगे, सिंगली रेनफोर्स बीम। सिंगली रेनफोर्स बीम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैंने डब्ल्यूएसएम में पहले बताया कौन सी भी आपकी सिंगली रेनफोर्स बीम कहलाएंगी जिनमें हम रेनफोर्समेंट ओनली टेंशन साइड में प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, यानी कि जो टेंशन एरिया होता है अगर हम उसी में आपकी क्या है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करें, यानी कि जो स्टील बार है, ठीक है, सरिया जो है अगर हम क्या देंगे ओनली टेंशन एरिया में प्रोवाइड करें, तनन क्षेत्र में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो आपकी कैसी बीम कराएंगे, सिंगली रेनफोर्स बीम। हिंदी में कहते हैं एकल प्रबलित धरन। ठीक है, एकल प्रबलित धरन कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम क्या देंगे टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन में भी कहते हैं रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, यानी कि तनन क्षेत्र के साथ साथ संपीडन क्षेत्र में भी हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं तो वो हमारी कहलाती है डबली रेनफोर्स बीम, दोहरा प्रबलित धरन कहलाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपके सिंगली रेनफोर्स बीम के ही हम कहते हैं जो फॉर्मूले है वो ड्राइव करेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस के लिए क्या होगा आपका कंप्रेशन फोर्स क्या होगा टेंशन फोर्स क्या होंगे। ठीक है, डब्ल्यू के लिए हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेन डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका एक बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, ये आपकी विड्थ है। ठीक है, ये आपकी जो बार हमने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट एएसटी। ठीक है, इन बार के सेंटर से जो आपका बीम का अपर फाइबर है, ठीक है, ऊपरी रेसे जो है वहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है कि प्रभावी गहराई इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है। ठीक है, और जो आपका सेंटर ऑफ बार है, ठीक है, बार के केंद्र से और जो बॉटम फाइबर है, ठीक है, निचला तल जो है बीम का निचले तल तक की जो गहराई है वो आपकी क्या कहलाती है इफेक्टिव कवर कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं क्लियर कवर क्या होता है, तो जो आपकी बार आपने डाली है रेनफोर्समेंट डाला है उसके निचले सिरे से और जो बीम का निचला सिरा है, ठीक है, निचली तली है या बॉटम फाइबर है वहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी क्लियर कवर कहलाती है। ठीक है, शुद्ध आवरण। अब आवरण दे दे क्यों है, आवरण इसलिए दिया जाता है कि आपने जो रेनफोर्समेंट डाला है, ठीक है, वो वायुमंडलीय इफेक्ट से बचा है। ठीक है, अगर वायुमंडल के इफेक्ट में आता है तो जबकि बार है उनमें क्या कोरोजन वगैरह हो जाता है, कोरोजन होने की वजह से जंक वगैरह लग जाती है, जंक की वजह से क्या होता है कि जो आपकी कंक्रीट यहाँ पे पड़ी होगी और जो स्टील वायर है उनके बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, यानी जो पकड़ है वो क्या होते है खत्म हो जाते, टूट जाती है। ठीक है, बॉन्ड टूट गया तो क्या होगा आपकी जो बार है वो सरिया में जो बार है वो कंक्रीट में से बाहर निकल आएंगे और कंक्रीट आपकी क्या फेल हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कवर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बात करते हैं इफेक्टिव कवर, तो इफेक्टिव कवर होता है आपका क्लियर कवर, क्लियर कवर प्लस अब आपका क्या है क्लियर कवर हो गया कि बार के क्या निचले सिरे से आपके क्या है जो बीम है उसके निचले सिरे तक की गहराई। ठीक है, अब आपकी क्या बचेगा इसमें इफेक्टिव कवर के हम देखें तो इफेक्टिव कवर क्या था बार के सेंटर से यानी केंद्र से निचले सिरे तक की गहराई, तो अगर हम हाफ डायऑफ बार जोड़ दें तो हमारा क्या निकलाएगा इफेक्टिव कवर निकलाएगा, तो हाफ डायऑफ बार। ठीक है, यह पाया क्या डायऑफ बार, ठीक है, जो आपने बार डाले होंगे इसका डाया, तो ये आपको क्या होगा इफेक्टिव कवर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये इफेक्टिव डेप्थ, तो आपको पता लग गई कि ऊपरी सिरे से और जो बार डाले इसके सेंटर तक की जो गहराई है वो आपकी क्या कहलाएगी इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, टोटल डेप्थ की अगर हम बात करें तो टोटल डेप्थ क्या होती है आपकी कि बॉटम फाइबर से बीम के बॉटम फाइबर से जबकि बीम का अपर फाइबर है वहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या लगेगी टोटल डेप्थ कहलाएगी। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम फाइबर तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या लगेगी टोटल डेप्थ। ठीक है, तो टोटल डेप्थ क्या होगी आपकी अगर हम टोटल डेप्थ की अगर हम बात करें तो टोटल डेप्थ क्या हो जाएगी इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, प्लस ये क्या आएगा इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई टोटल डेप्थ हो गई।
उसके बाद हम बात देखते हैं ये आपकी क्या न्यूट्रल एक्सिस है, उदासीन अक्ष। तो उदासीन अक्ष क्या होती है, जो आपकी क्या कहेंगे कंप्रेशन एरिया है और टेंशन एरिया है उनको डिवाइडेड करने वाली जो लाइन है, काल्पनिक रेखा होती है, वो आपकी कहलाती है आपकी न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस को हम कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस की गहराई को हम कहते हैं जो बीम का टॉप फाइबर होता है वहां से हम डिनोट करते हैं। तो बीम के टॉप से न्यूट्रल एक्सिस की जो गहराई है वो आपकी क्या कहलाएगी, जो इमेजिनरी लाइन है उस तक की गहराई के न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या एक्स यू न्यूट्रल एक्सिस को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके स्ट्रेन डायग्राम की। तो कल मैंने आपको एक बेसिक एजम्पशन पढ़ाया था, कौन सा था कि कोई भी कहते हैं क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, जो बेंडिंग से पहले प्लेन है, ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, बेंडिंग से पहले ये आपका प्लेन में है, बेंडिंग के बाद भी आपका क्या प्लेन में रहेगा। मान लीजिए ये आपकी कोई बीम है, ठीक है, इसका अगर हमने क्रॉस सेक्शन बनाया तो आपको क्या इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, बाद में जब ये बेंड हो जाएगी इस तरीके से, अगर ये बेंड हो रही है, ठीक है, तब भी इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो आपको कैसा होगा, प्लेन ही होगा। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट इसी फॉर्म में दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी विकृति होती है, स्ट्रेन जो होती है वो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर या नीचे की तरफ हम जाए तो बढ़ती है। यानी कि जो स्ट्रेन में जो वेरिएशन देखने को मिलता है हमें कैसा देखने को मिलता है, लीनियर देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस बेसिक एजम्पशन के अकॉर्डिंग जब हम स्ट्रेन डायग्राम दिखाएंगे तो न्यूट्रल एक्सिस जब हम ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ती चली जाएगी, और जब नीचे की तरफ आएंगे तब भी क्या आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये आपको जो डायग्राम देखने को मिलेगा वो आपको कैसे देखेगा, ट्रायंगल की फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको क्या स्ट्रेन डायग्राम हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस डायग्राम में ऊपर आपकी क्या है, कॉन्क्रीट है, यहां पर आपकी क्या है, कॉन्क्रीट है, और यहां पर आपने क्या डाले थे, स्टील प्रोवाइड करा के, स्टील बार डाली हुई है। ठीक है, तो ऊपर कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट के लिए मैंने कल बताया था कि आप कर देंगे जो बेसिक एजम्पशन था चौथा, हाँ चौथा जो बेसिक एजम्पशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कर देंगे कोई सी भी कर देंगे आकृति बना सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आपकी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, पैराबोलिक भी हो सकती है, ट्रेपेजॉइडल भी हो सकती है, आप कोई भी आकृति अपना सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन कब तक बना सकते हैं, जब तक कहते हैं जो अनुमानित यानी कि जो प्रोबेबल स्ट्रेंथ है, जो आपने टेस्ट के थ्रू जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड की होगी दोनों क्या हो, सेम होंगी। ठीक है, जब तक बराबर होंगी तभी तक आप कहते हैं कोई सी भी आकृति बना दी आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आईएस कोड ने क्या किया, आईएस कोड ने क्या सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको कॉन्क्रीट के लिए डायग्राम बताया था, क्या बताया था कि आपको क्या था, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम आपको बताया था कि आपका जो पैराबोलिक जाएगा वो 0.002 स्ट्रेन तक आपको क्या पैराबोलिक जाएगा, और उसके बाद आपका क्या कांस्टेंट स्ट्रेस पे भी क्या है आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, और 0.0035 पे जाकर के वो आपके क्या फेल हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज है आपका, यहां पर आपकी क्या मैक्सिमम जो स्ट्रेन आपकी क्या 0.0035 हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर कितनी है जो 0.002 तक आपकी क्या होगी पैराबोलिक जाएगी। ठीक है, तो वही इस चीज को दिखा रखा है, ये आपके यहाँ पे हमने मान रखा है यहाँ पे क्या आपकी जो स्ट्रेन है वो 0.002 है, और टॉप पे जब फेल हो रही होगी तो उस टाइम पे जो स्ट्रेन होगी कंक्रीट में कितनी होगी 0.0035। ठीक है, तो यहाँ पे 0.002 तक आपका पैराबोलिक, ये आपको क्या है पैराबोलिक है। ठीक है, परवलय का पर वलयकार होगा। ठीक है, और ये आपका क्या होगा रेक्टेंगुलर आयताकार होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या कॉन्क्रीट में स्ट्रेस डायग्राम आ गया। ठीक है, तो ये आपके कॉन्क्रीट के स्ट्रेस डायग्राम का इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं नीचे जो आपने स्टील बार प्रोवाइड करा रखी है तो इसके लिए आपका स्ट्रेस डायग्राम कैसा हुआ। तो लास्ट टाइम हमने एक बेसिक एक्शन माना था सेकेंड वाला, जिसमें हमने कहा था कि कॉन्क्रीट की जो हम स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कि हम उसको क्या है निग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि इस पर विचार ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो नीचे जो कॉन्क्रीट यहां पे पड़ी होगी, यहां पे जो कॉन्क्रीट पड़ी होगी वो क्या है, किसी भी तरह की कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस वियर नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, कौन वियर करेंगे, आपकी जो आपने स्टील बार प्रोवाइड कर रखी है वो आपके वियर करेंगे। ठीक है,
तो जितने भी टेंशन फोर्सेस है वो कहां पे वर्क करेंगे आपके, यहां पे सेंटर पे। कहां वर्क करेंगे भाई, सीजीप करेंगे, क्योंकि वेयर कौन कर रही है आपकी, बार को कर रही है, तो बार का जो सीजी होगा वहां पे, तो ये आपका क्या सीजी है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये आपकी क्या है, टॉप सीजी है, ठीक है। तो यहां पे वर्क करता हुआ होगा, तो यहां पर आपको एक पॉइंट के रूप में यहां पे दिखा देंगे हम कि आपको ये जो है टेंशन फोर्स कहां पे वर्क करेंगे, यहां पे। तो स्ट्रेस डायग्राम आपको क्या कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। यहां पर टेंशन फोर्स हो गए, इन दोनों कंबाइंड हमने यहां पर कंप्रेशन फोर्स दिखा देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या स्ट्रेस डायग्राम आ गया आपका, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक की जो डेप्थ होगी वो आपकी क्या होगी, इफेक्टिव डेप्थ होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, सेंटर पर वर्क कर रहे हैं, तो यहां पे जो जो टॉप से कहते हैं सेंटर ऑफ दी बार तक की जो डेप्थ है वो आपकी क्या कहलाएगी, इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है। तो यहां से ये वाली जो डेप्थ है वो आपकी क्या, इफेक्टिव डेप्थ कहलाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं हम जनरली जो हम कहते हैं कैलकुलेशन करते हैं, हम इफेक्टिव डेप्थ को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपकी जो वर्किंग में होती है वो इफेक्टिव डेप्थ होती है, ना कि टोटल डेप्थ, ठीक है। क्योंकि आपके जो टेंशन फोर्सेस वो काम वर्क कर रहे होते हैं सेंटर ऑफ वार पे, तो आपकी इफेक्टिव डेप्थ ही आपकी क्या ज्यादातर इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हम जब भी कंसीडर करते हैं तो इफेक्टिव डेप्थ को क्वेश्चन में कंसीडर कर देंगे, ठीक है। तो आपके ये स्ट्रेस डायग्राम हो गए, ये स्ट्रेन डायग्राम हो गए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन और टेंशन फोर्स चाहिए हमें, क्या चाहिए कंप्रेशन और टेंशन फोर्स चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये जो एरिया है स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया हमें चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया ही निकाल लेते हैं कि स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया क्या है। कंप्रेशन फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसका एरिया चाहिए होगा कि स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया कितना आएगा, ठीक है। कंप्रेशन फोर्स होते हैं आपके, कंप्रेशन फोर्स जो हम कैलकुलेट करते हैं, कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू होता है एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, स्ट्रेस ब्लॉक इनटू विड्थ ऑफ बीम, विड्थ ऑफ बीम, ठीक है। ये आपको कंप्रेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये फॉर्मूला भी कहते हैं आपका ड्राइव हो गया। यहां पर अगर हम देखें तो ये कहेगा जो एक समान यूनिफॉर्म तो है नहीं डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर क्या आपका पैराबोलिक है, यहां पर आपको क्या ट्रैपेजॉइड, ये आपका रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो अब अगर हमें क्या कहेंगे निकालने कंप्रेशन फोर्स, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटी सी समतल सी मान लेते हैं कि एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मान लिया हमने, छोटा सा एलिमेंट मान लिया। इस एलिमेंट का अगर हम एरिया की बात करेंगे तो हमने इसकी डेप्थ मान ले रहे हैं dx मान ले रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई होगी, ठीक है, वो आपकी विड्थ के बराबर होगी, ठीक है। तो छोटे से एरिया में आपकी क्या होगा, छोटे से एरिया की अगर हम बात करें कंप्रेशन फोर्स क्या होगा, आपने फोर्सेस क्या होते हैं स्ट्रेस इनटू एरिया होते हैं, ठीक है। तो इसके एरिया की अगर हम बात करें तो dx हो जाएगा dx इनटू b, इसकी डेप्थ हमने कितनी मान ली है b, क्योंकि यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट है, तो इसमें जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, पूरे थिकनेस में क्या एक समान होगा, ठीक है। तो हम क्या मान लें, इसका जो एरिया होगा वो dx इनटू b हो जाएगा, ठीक है, इनटू उसमें जो स्ट्रेस होंगे वो कितने होंगे 0.446 fc के होंगे, ठीक है। एरिया के ये आपके स्ट्रेस हो गए, एक छोटी सी पट्टी माननी है तो इसमें जो स्ट्रेस होंगे वो कितने होंगे 0.446 ही होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, छोटे से एलिमेंट में हो गए। अब हमें क्या पूरे का निकालना है, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो dc इतना क्या होगा b इंटू dx इंटू आपका क्या होगा 0.446 fc के, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें b इंटू dx 0.446 fc के इंटू dx, ठीक है। तो ये जो कहलाता है, ये टर्म्स आपका कहलाता है एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, स्ट्रेस ब्लॉक, ठीक है। तो यहां से आपका जो, और ये आपका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपको क्या होगा कंप्रेशन फोर्स हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा कंप्रेशन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स हो जाएगा। तो यहां से आपका जो फॉर्मूला निकल के आया कंप्रेशन फोर्स क्या होगा, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इंटू आपको क्या होगा ये विड्थ, विड्थ ऑफ बीम, ठीक है। तो यहां से ये आपका क्या कंप्रेशन फोर्स का जो फॉर्मूला है वो निकल के आया, क्या आएगा आपका एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इंटू
विड्थ ऑफ बीम, ठीक है। तो हम क्या देंगे, हमें क्या चाहिए होगा, कंप्रेशन फोर्स के लिए हमें चाहिए होगा एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, ठीक है। अगर हम स्ट्रेस ब्लॉक को देखते हैं तो ये आपका क्या आएगा, दो टर्म है इसमें, दो चीजें हैं, एक आपका क्या है रेक्टेंगुलर है, ठीक है, और एक आपका क्या पैराबोलिक है, एक आपको क्या रेक्टेंगुलर है और एक आपको क्या पैराबोलिक है, ठीक है। और इनकी अभी मैंने तो यहां पर लिख दी है कि आपकी कितनी कितनी है, लेकिन आपको पता नहीं होगी, तो हम करते हैं इसको क्या, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि ये जो डेप्थ है इसकी डेप्थ कितनी होगी और इसकी डेप्थ कितनी होगी, ठीक है। तो पहले हम डेप्थ को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक होगा आपका, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, स्ट्रेस ब्लॉक होगा आपका एरिया ऑफ ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ पैराबोलिक, ठीक है। दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी डेप्थ निकाल लें, तो डेप्थ के लिए हम लोग क्या है, जो आपका स्ट्रेन डायग्राम है हम उसका यूज करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले का, इसका, ठीक है। यहां पे जो आपकी स्ट्रेन है वो 0.002 है और यहां पे कितनी है 0.0035 है, ठीक है। ये टोटल आपकी क्या कहेंगे एक्स यू है और ये आपकी क्या है, इसे हम मान ले रहे हैं एक्स टू और इसे हम मान ले रहे हैं एक्स वन, ठीक है, ये आपका है। तो ये क्या है, हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आएंगे, यहां से हम क्या है x1 और x2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल की हम प्रॉपर्टीज लगा ले रहे हैं, ठीक है। तो 0.0035 डिवाइडेड बाई एक्स यू इक्वल टू, ये आपको क्या है 0.335 और ये हमने क्या है इसकी ये वाली गहराई लेगी, तो ये कितनी हो गई 0.0035 डिवाइड बाई एक्स यू, ठीक है। ये आपकी टोटल डेप्थ कितनी है एक्स यू, न्यूट्रल एक्सिस। उसके बाद हम किसका एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, ये वाला ट्रायंगल हो गया आपका, ठीक है। अब हम इस वाले ट्रायंगल में देख ले रहे हैं, अब हम किस में देख ले रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, छोटे वाले में। तो छोटे वाले के लिए क्या होगा आपका 0.002 डिवाइडेड बाई एक्स वन, ठीक है। यहां से हम एक्स वन निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो x1 क्या होगी आपकी 0.002 डिवाइडेड बाय 0.0035 xu, ठीक है। यहां से अगर हम दिखाई करेंगे तो यहां से ये जीरो चला जाएगा और ये आपको क्या होगा, दोनों को कहते हैं हम कर देंगे, मतलब पॉइंट हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, तो क्या होगा ये हटेगा, ये हटेगा, यहां पे जीरो लग जाएगा। इसको हम क्या देंगे, पांच से डिवाइड कर ले रहे, तो 5 + 20, 5 × 35, ठीक है। तो x1 निकल आएगी आपकी 4y7 xu, ठीक है। टोटल आपकी कितनी है, टोटल है आपकी xu है आपकी x1 प्लस x2, ठीक है। x1 हमने निकाल ली है, कितनी है आपकी 4y7 xu प्लस x2, ठीक है, और ये xu होगी। यहां से हम x2 निकालेंगे तो कितना जाएगा 3y7 xu, ठीक है। तो ये आपकी क्या x1 x2 निकल आई, कितनी कितनी निकल आई, ये आपकी x2 आई 3/7 xu और ये आपकी निकल गई 4/7 xu, ठीक है। तो ये आपकी क्या x1 x2 निकल आई। अब हम क्या कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि ये हमारा क्या रेक्टेंगुलर का एरिया देखेंगे तो ये हमारी डेप्थ हो गई, ये इसकी क्या हुई चौड़ाई हो गई, तो हम दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, रेक्टेंगुलर का एरिया निकल आएगा। उसके बाद हम पैराबोलिक के लिए देखेंगे तो ये हमारा क्या हुआ डेप्थ हो गई, यहाँ पे ये हो गई और ये क्या है आपका जो पैराबोलिक का जो हम एरिया लेते हैं वो आपका लिया जाता है 2/3 हाइट इनटू बेस, ठीक है। तो अब हम क्या देंगे x1 x2 निकालने हैं, तो अब हम क्या निकाल ले रहे हैं आपका एरिया निकाल ले रहेंगे, ठीक है। तो हम अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, तो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक पहला क्या आपका रेक्टेंगुलर का एरिया, तो रेक्टेंगुलर की डेप्थ कितनी है 3/7 xu मल्टीप्लाई बाई 0.446 fc के, ठीक है। ये इसकी क्या हुई चौड़ाई हो गई, ठीक है। अब प्लस कर ले रहे हैं, ठीक है। अब हम देख ले रहे हैं किसका पैराबोलिक का, ठीक है।
तो पैरेलल के क्या टू बाई थ्री बेस इनटू हाइट लेंगे तो ये टू बाई थ्री ये आपकी डेप्थ हो गई फोर बाय सेवन एक्स यू मल्टीप्लाई बाई ये तो इस यहां पर ये भी कितनी होगी 0.446 एफ सी के यहां पे स्ट्रेस कितने होंगे आपके 0.446 एफ सी के ठीक है। पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ठीक है तो यहां से जो आपका निकल के आ जाएगा 0.36 एफ सी के एक्स यू स्ट्रेस ब्लॉक का जो एरिया आपका निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 0.36 एफ सी के एक्स यू ठीक है। ये आपका हो गया स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक ठीक है। एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकल आया तो आप कहते हैं कंप्रेशन फोर्स निकाल सकते हैं तो कंप्रेशन फोर्स क्या हो जाएंगे आपके कंप्रेशन फोर्स क्या था स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया तो 0.36 एफ सी के एक्स ही हो गया मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ ऑफ बीम तो ब्रेथ ऑफ बीम कितना होगा बी तो ये आपका क्या कंप्रेशन फोर्स निकल आए ठीक है। आपके कंप्रेशन फोर्स कितने निकल आए 0.36 एफ सी के एक्स ही इंटू बी ठीक है। ये आपके कंप्रेशन फोर्स हो गए ये कंप्रेशन फोर्स लगेंगे कहां पे तो ये लगेंगे आपका जो सीजी होगा स्ट्रेस ब्लॉक का जो एरिया है ठीक है उसका जो सीजी वहां पर वर्क करेंगे तो हमने यहां मान लिया ये यहां पर कहीं पर वर्क कर रहा है ठीक है। तो ये सीजी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सीजी होगा कहां पे ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं इसको मान ले रहे हैं ये आपका वर्क कर रहा है ऊपर से वाई पर ठीक है। हमने मान लिया ये वाई है जहां पर यह वर्क कर रहा है ठीक है। तो हम इसका सीजी निकाल ले रहे हैं कंप्रेशन फोर्स हो गए अब ये फोर्स वर्क कहां करेंगे तो वर्क कहां करेंगे सीजी ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक ठीक है। तो हम निकाल ले रहे हैं इसका नेक्स्ट आएगा हमारा सेकेंड जो इसमें होगा कंप्रेशन फोर्स निकला है अब हमारा होगा सीजी ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक ठीक है। तो सीजी हम निकालेंगे तो सीजी के लिए हमारा क्या होगा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x1 y1 plus x2 y2 upon x1 plus x2 या फिर आपका a1 x1 plus a2 x2 divided by a1 plus a2 ठीक है। तो उसी के फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहां पर c1 x1 plus c2 x2 divided by c1 plus c2 ठीक है। c1 क्या होगा ये आपका c1 मान ले रहे हैं ये आपका जो स्ट्रेस जो पैराबोलिक एरिया है उसको हम c1 मान ले रहे हैं और इसको हम क्या मान ले रहे हैं c2 ठीक है। अब ये दोनों कहीं ना कहीं हुए वर्क कर ही रहे होंगे इसको हमने फर्स्ट माना इसको हमने सेकंड तो हम सबसे पहले c1 के लिए हम x1 कैलकुलेट कर रहे हैं c1 तो हमें पता ही है ठीक है। y हमें निकालना है cg ठीक है। तो सीजी की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगा ये आपका क्या कंप्रेशन फोर्स होगा ठीक है। कौन सा पैराबोलिक का तो पैराबोलिक का एरिया कितना है आपका 0.2/3 ये आपका 2/3 ब्रैकेट 4y × 4y7 एक्स क्यू मल्टीप्लाई बाई 0.446 एफ सी के ठीक है। ये तो आपका क्या होगा c1 हो गए। अब हम x1 की अगर हम बात करें तो x1 क्या होगी ये वाली डेप्थ ठीक है। तो ये कितनी होगी यहां से यहां तक हम ये कितनी होगी आपकी ठीक है। तो ये आपकी होगी जो आपका सीजी होगा इसका यहां से होगा 3/8 पर ठीक है। जो भी इसकी डेप्थ है उसकी क्या होगा 3/8 पर होती है कितनी होती इसका जो सीजी होगा ऊपर से यहां से 3/8 यहां से 5/8 होती है ये ठीक है। सीजी की अगर हम बात करें इसके पैराबोलिक के ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी ये टोटल हो गई आपकी 3/7 ये हो गई 3/7 एक्स हो गई ठीक है। ये डेप्थ कितनी हो गई 3/7 एक्स हो गई और ये कितनी हो गई आपकी 3/8 × 4 कितना 4/7 एक्स ठीक है। तो प्लस कर दे रहे हम ठीक है। तो ये होगा 3/8 4/7 एक्स
ठीक है। तो ये आपकी क्या x1 निकल आई, ये आपकी क्या x1 निकल आई, प्लस कर दे रहे हैं हमको। अब हमें क्या है, ये ऊपर रेक्टेंगुलर ब्लॉक का है, ठीक है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक का कितना होगा, ठीक है, तो अब हम यहां पर प्लस कर ले रहे हैं। रेक्टेंगुलर ब्लॉक की अगर हम बात कर दें, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का कितना होगा, 0.446 एफसी के मल्टीप्लाई बाई 3/7 एफयू। ये आपको क्या होगा, C2 निकल आया। उसके बाद ये जो C2 लग रहा है, इसकी डेप्थ कितने होगी भैया, हाफ डेप होगी, तो कितना 3/7 एक्सयू का हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, X2 निकल आया, डिवाइडेड बाई C1 + C2। आपका क्या होगा, ये C1 + C2 आपका स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो 0.36 एफसी के एक्सयू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आपका C1 हो गया, ये उसकी डेप्थ हो गई अपर फाइबर से, ठीक है, यहां से यहां तक की डेप्थ हो गई। तो ये आपका ये तो हमें पता ही है कितना 3/7 एक्सयू है, और ये कितना होगा, ये होता है आपका 3/8 पैराबोलिक का जो सीजी होता है, यहां से होता है 3/8, ठीक है। तो 3/8 और डेप्थ कितनी, कितनी की डेप्थ का, डेप्थ कितनी आपके 4/7 एक्सयू, ठीक है, ये हो गया आपका। तो जोड़ दीजिएगा आपकी टोटल अपर फाइबर से हाइट निकल आई सीजी के लिए, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगुलर ब्लॉक का देखें, तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक में आपका C2 हो जाएगा ये वाला, तो 0.446 एफसी के मल्टीप्लाई बाई 3/7 एक्सयू मल्टीप्लाई बाई आपका कितना होगा, इसका सीजी, तो इसका सीजी कितना होगा, इसका हाफ पे होगा, तो 3/7 एफसी मल्टीप्लाई बाई हाफ। सॉल्व करेंगे तो आपकी जो Y1 निकल के आ जाएगी 0.42 एक्सयू, ठीक है। तो ये जो वर्क हो रहा होगा, ये कितनी डिस्टेंस, कितनी हाइट पे होगा अपर फाइबर से, 0.42 एक्सयू पे, ठीक है। तो कंप्रेशन फोर्स करेंगे अपर फाइबर से 0.42 एक्सयू पर, ठीक है। तो आपके कंप्रेशन फोर्स का हो गया, ऊपर वाला कंप्लीट हो गया आपका। अब हम टेंशन फोर्स को देख ले रहे हैं, ठीक है, किसको देख ले रहे हैं, हम टेंशन फोर्स को। कंप्रेशन फोर्स हमें पता लग गए, अब हम टेंशन फोर्स कैलकुलेट कर ले रहे हैं। थर्ड जो है आपके टेंशन फोर्स, ठीक है। तो टेंशन फोर्स क्या होगा आपका, स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है, स्ट्रेस इंटू एरिया होगा भाई। यहां पर अगर हम देखें तो जो टेंशन फोर्स है वो एक पॉइंट यहां पर एक ही जगह वर्क कर रहे हैं, और वो एरिया कौन से है, यहां पर सीजी पे वर्क कर रहेंगे, किसपे है, सीजी ऑफ सेंटर ऑफ बार पे वर्क कर रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन का एक समान है, तो यहां पर हम क्या करें, डायरेक्टली स्ट्रेस इंटू एरिया का फॉर्मूला रखेंगे और आपका जो टेंशन फोर्स है उसको निकालेंगे। तो आपके जो डिजाइन स्ट्रेस कितने लिए आते हैं, डिजाइन स्ट्रेस लिए आते हैं आपका Fy डिवाइडेड बाई 1.15, ये आपके स्ट्रेस हो गए। एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया कितना आएगा, AST, जो भी आपने रेनफोर्समेंट डाला होगा वो आपका AST कहलाएगा, ठीक है। तो AST इसका एरिया, तो अगर हम टेंशन फोर्स T की अगर हम बात करें तो वो निकालेंगे 0.87 Fy AST, ठीक है। तो ये आपको क्या हुआ, टेंशन फोर्सेस हो गए। तो ये आपके टेंशन फोर्स हो, वर्क कहां करेंगे, वर्क करेंगे आपके सीजी ऑफ सेंटर ऑफ बार, ठीक है। अपर फाइबर से अगर हम इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो वो क्या होगी, इफेक्टिव डेप्थ होगी, ठीक है। तो ये आपके क्या हुए, कंप्रेशन फोर्स, टेंशन फोर्स है, कहां वर्क करेंगे ये आपको पता लग गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या है, जो आपके टेंशन एरिया कंप्रेशन एरिया दोनों को डिवाइड करने वाली इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा आपकी कहलाएगी न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस देख लेते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहां लाई करेगी। तो न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपका कंप्रेशन एरिया है और टेंशन एरिया है उन दोनों को क्या इक्वल रख देते हैं, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को दोनों क्या है, इक्वल रख देते हैं, और जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस है हम उसको कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो कंप्रेशन फोर्स कितने, 0.36 एफसी के एफसीयू इंटू बी, ये आपकी कंप्रेशन फोर्स है। टेंशन फोर्स की अगर हम बात करें 0.87 एफ वाई एएसटी, ये आपकी क्या है, कंप्रेशन फोर्स है,
यहां से हम एक्स यू निकाल ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि उदासीन अक्ष। तो उदासीन अक्ष क्या होगी, 0.87 एफ वाई ए एस टी डिवाइडेड बाय 0.36 एफ सी के बी, ठीक है। ये आपका क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपके लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, एक और आपकी होती है न्यूट्रल एक्सिस, वो आपकी कौन सी, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपका जो बेसिक रेजिस्टेंस माना गया था, क्या माना गया था, कि जो आपकी स्ट्रेन है जब टेंशन में जब फेल हो रही होगी, यानी कि जो टेंशन रिइंफोर्समेंट में आपकी जो सेक्शन है फेल हो रहा होगा, उस टाइम जो आपके टेंशन बार है उसमें जो मिनिमम आपकी स्ट्रेन है वो कितनी होनी चाहिए, 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस के 0.002। एक मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि आपके जब कहते हैं जो बेसिक एक्शन पढ़ाया था उसमें ये बताया था कि जब टेंशन फेलियर होगा तो उसमें जो स्ट्रेन है, ठीक है, फेलिंग के टाइम पे जो स्ट्रेन है स्टील बार में वो इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस को क्या रेस्ट कर देती है, ठीक है। तो लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस हम कहते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपकी लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी, ठीक है। तो एक्स्यू मैक्स कह लीजिए या एक्स्यू लिमिटिंग, इसको जो हम डिनोट करते हैं वो एक्स्यू मैक्स या एक्स्यू लिमिटिंग से करते हैं, ठीक है। तो एक्स्यू मैक्स और एक्स्यू लिमिटिंग होता है आपका, यही आपका स्ट्रेन वाले को हम फॉलो करेंगे तो उसी से आपका क्या निकल के आएगा, ठीक है। ये जो डायग्राम है इसी को, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों में कहते हैं आप लगा दीजिएगा आपको क्या आएगा, जब आप लगाएंगे उसका सिमिलर ट्रायंगल का तो उससे ये कहते हैं फॉर्मल ड्राइव होकर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ई सी यू अपॉन ई सी यू प्लस ई एस यू, ठीक है। जब आप इसको लगाएंगे, इन दोनों को लगाएंगे तो आपका जो फॉर्मूला ही वही डिवाइड हो क्या जाएगा, एक्स्यू मैक्स अपॉन डी इजकल टू ई सी यू, यानी कि स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट डिवाइड बाई स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट प्लस स्ट्रेन इन स्टील बार, ठीक है। तो हम यहां पे इनको पुटअप कर दे रहे हैं, फेलिंग के टाइम पे आपकी जो स्ट्रेन होगी यहां पर कॉन्क्रीट में, कल ही मैंने आपको बताया था कि कोई भी किसी भी तरह कॉन्क्रीट का, कॉन्क्रीट हो ग्रेड की कॉन्क्रीट हो, उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगी वो कितने होगी, 0.035 होगी, ठीक है। और स्टील को अभी बता ही दिया, तो एक्स यू मैक्स अपॉन डी इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, 0.0035 डिवाइडेड बाय 0.0035 प्लस के 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस के 0.002, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स यू मैक्स अपॉन डी इजकल टू कितना होगा, 0.0035 डिवाइडेड बाय 0.0055 प्लस के 0.87 एफ वाई ई एस, ठीक है। तो ई एस क्या होता है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन, और इसकी वैल्यू जो होती है 2×10⁵ होती है, ठीक है। इस वैल्यू को हम पुटअप करेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो यहां से एक्स्यू मैक्स निकल के आ जाएगा आपका, एक्स्यू मैक्स अपॉन डी निकल के आएगा 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 एफ वाई, ठीक है। तो यहां से आपकी क्या आएगा, ये जब इस इक्वेशन को 2×10⁵ इसकी वैल्यू रख करके आप सॉल्व करेंगे तो यहां से एक्स मैक्स अपॉन डी की जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 एफ वाई, ठीक है। तो ये आपका एक्स मैक्स हो गया। अब आप देखिए जो लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो ये आपके क्या ओनली कहते हैं ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर जो डी है, ठीक है, जो डेप्थ है वो आपकी किसी भी सेक्शन के लिए आपकी क्या होगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, तो जो वेरिएबल रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ओनली एफ वाई, ठीक है। तो जो आपके लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस है, चाहे आपका डब्ल्यू एस एम हो चाहे एल एस एम हो, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस जो आपकी डिपेंड करेगी वो किस पे करेगी, ग्रेड ऑफ स्टील पर, ठीक है। यहां पे हम कहते हैं ग्रेड ऑफ स्टील की वैल्यू रख लेते हैं, यानी कि एफ वाई की वैल्यू रखेंगे तो आपका एक्स यू मैक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है।
तो अलग अलग कहते हैं ग्रेड के लिए हम एक्सयू मैक्स की वैल्यू देख ले रहेंगे। फॉर एफई 250, ठीक है, एफई 250 के लिए अगर हम देख लेते हैं तो एक्सयू मैक्स अपॉन डी इजिकल टू क्या होगा 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87, एफ वाई कितना होगा 250, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका एक्सयू मैक्स निकल आएगा वो आपका 0.58 डी निकल के आएगा, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0.53 निकल के आएगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू निकल गई वो 0.53 निकल के आएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप एफई 415 के लिए जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एक्सयू मैक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0.48 डी निकल के आएगी, ठीक है, और एफई 500 के लिए, एफई 500 के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी एक्सयू मैक्स की जो निकल के आएगी 0.46 डी, ठीक है। तो ये आपके क्या न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस आएगी, उसकी क्या है वैल्यूज हो गई होंगी, ठीक है, जो आपकी डिपेंड कर रही है किस पर, ग्रेड ऑफ स्टील पर, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, आपके काम आएंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या न्यूट्रल एक्सिस हो गई है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें आपका परसेंटेज ऑफ स्टील जो हमने बात प्रोवाइड किएंगे, ठीक है, उसमें परसेंटेज स्टील की अगर हम बात कर देंगे वो भी किसके लिए, बैलेंस सेक्शन के लिए, ठीक है,